भाई है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, आप लोगों को, वो आने वाले जो परीक्षा है DELED का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर पेपर में दो चार क्वेश्चन एकदम निश्चित है। इसको ध्यान से देखें और याद कर लें एक दो बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो बहुत अच्छा होगा। पहला है, वर्णों की संख्या कितना होता है? वर्णों की संख्या 52 होती है। दूसरा है, व्यंजन की संख्या कितना होती है? व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या 13 होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। समास के प्रकार, यानी समास के 6 प्रकार होता है। पहले समास 4 था, बाद में 2 को और ऐड होगा, 2 को। तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार 6 होता है। कारक के प्रकार 8 को। वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आगे देखें, विशेषण के भेद 4 को होता है। विशेषण का भेद 4 को होता है। लिंग का भेद तो पता होगा आप लोग के, लिंग 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसके बाद है क्रिया के भेद, क्रिया 2 प्रकार का होता है। दूसरा है छंद, छंद के कितने भेद हैं? छंद के 2 भेद। हर शिफ्ट में छंद 1 या 2 क्वेश्चन छंद से रहता है। अगला क्वेश्चन है अलंकार, अलंकार के 3 भेद। ये अलंकार भी हर शिफ्ट में अलंकार से 2 गो या 3 गो होता है। इसका भी वीडियो हम बना के डालेंगे, भी बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को, परेशानी नहीं होगी अलंकार में। अगला है रस के अंग और अवयव कितना होता है? 4 होती है। रसों की संख्या क्या है? रसों की संख्या 9, आंसर में इसका 9 है। संचारी गौ की संख्या कितनी होती है? संचारी गौ की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है काव्य के भेद कितना होता है? काव्य 2 को होता है, रामायण और महाभारत। वेद का प्रकार, वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार का होता है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, वेदांगों की संख्या 6।